जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे तीन मुख्य पॉइंट पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट में बात करेंगे अदालत का फैसला एमएससीपी और एसीपी किस पेंशनर्स को दी जा सकती है, कोर्ट ने अपना फैसले में ये सारा बताया हुआ है। नंबर दो में बात करेंगे समान एमएसपी केस जो कि 5 मार्च को सुनवाई थी जिसमें, और उसमें कोर्ट का आदेश नेक्स्ट हियरिंग के लिए दे दिया गया, उसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट रहे वो हम समझेंगे। तीसरे में नोशनल इंक्रीजमेंट की मांग पर किस संगठन ने लिखा पत्र, उसके बारे में बात करेंगे। तो तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और समझें, खासकर एमएससीपी और एसीपी के बारे में किसको लागू है किसको नहीं है पूरा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करूं, आपसे मेरा अनुरोध रहेगा चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी इसलिए दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये समान एमएसपी का केस जो कि हमारा केस नंबर है, वॉइस ऑफ एक्सरसमेंट सोसाइटी एंड यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा ही लड़ा जा रहा है। जैसे हमें पता था इसकी सुनवाई 5 मार्च को हुई और अब ये नेक्स्ट डेट यहाँ पर दिखा रहा है 16 अप्रैल 2024 इसकी सुनवाई होगी। दोस्तों इस केस में 5 मार्च को क्या रहा कोर्ट के अंदर, जो कि इसके कोऑर्डिनेटर है बीर बहादुर सिंह जी, इस केस को वॉइस ऑफ एक्सरसमेंट सोसाइटी के द्वारा काफी लंबे समय से लड़ा जा रहा है दोस्तों। तो उन्होंने यहाँ पर इसका अपडेट दिया था, उनके कहने के अनुसार पहले ये कोर्ट नंबर 3 में इसकी सुनवाई चल रही थी जो कि तकरीबन पूरी हो चुकी थी, और 5 मार्च को इसको कोर्ट नंबर 4 में शिफ्ट कर दिया। इनके अनुसार रोस्टर बदली हो गया था, जो पहले जज थे वो कोर्ट नंबर 3 में कुछ अलग थे, कोर्ट नंबर 4 में तो जज भी नए हो गए और इस केस को अब शुरू से सुना जा रहा दोस्तों। जिसमें उन्होंने कहा कि पुनः बहस शुरू करनी पड़ी और आज वॉइस ऑफ एक्सरसमेंट सोसाइटी के वकील निदेश गुप्ता जी ने के द्वारा जोरदार बहस की गई। अगली तारीख 16 अप्रैल को 3:30 बजे मिली और उस दिन हम अपना बहस पूरा कर लेंगे। 1 से 2 तारीख में केस आर्डर में जाने की पूरी संभावना है, अर्थात कि 16 को भी ये केस फाइनल नहीं होगा दोस्तों इनके कहने के अनुसार, क्योंकि जो केस की सुनवाई हो रही है वो नए सिरे से हो रही है, यानी कि अर्थात शुरू से शुरू हो रही है। तो वॉइस ऑफ एक्सरसमेंट सोसाइटी की तरफ से जो वकील साहब है इन्होंने इस पर बहस थोड़ी बहुत कर ली है, कुछ बहस इनकी 16 अप्रैल को फिर से होगी और जो तारीख आगे मिलेंगी पूरी बहस इन तारीखों पर पूरा किया जाएगा। तो हो सकता है इसमें 1 तारीख मिले, 2 मिले, 3 मिले, आगे 4 भी मिल सकती हैं और यह समय लंबा भी खींच सकता है, साल भी ले सकता है, 6 महीना भी ले सकता है, और यदि 2 तारीखों में हो गया तो महीने महीने का यदि गैप दें तो कम समय में भी हो सकता है दोस्तों। ये निर्भर रहेगा माननीय अदालत के ऊपर, फिर भी हम कह सकते हैं कि केस अभी ये फिर लंबा चले गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, नोशनल इंक्रीजमेंट। जैसे कि हमें पता है नोशनल इंक्रीजमेंट का मामला काफी समय से पेंशनर्स उठा रहे हैं और इसका माननीय अदालत से जजमेंट भी आ चुका है। अब यहाँ पर भारत पेंशनर्स समाज ने उसी रिगार्ड में एक चिट्ठी लिखी है, इन्होंने आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, श्रीमती जया वर्मा सिन्हा चेयरपर्सन है, सीईओ है रेलवे बोर्ड। अब यहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य क्या है इसके अंदर, ये कह रहे हैं कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर निकाला उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिस दिन आया था उसके बाद के जो भी पेंशनर्स जा रहे हैं यानी कि रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो चुके थे उस दिन के बाद ये लागू होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सभी के लिए लागू हो ऐसा इनका मानना है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो हम लेटर है वो हम ये देखते हैं, ये 18 जनवरी 2024 को लागू किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे एड्रेस 2 में 1 से 4 को इन्होंने दिया था, सब्जेक्ट में वही ग्रांट ऑफ नेशनल इंक्रीजमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो इसमें माननीय अदालत का क्या फैसला था यहाँ पर आप देख पाएंगे, इन्होंने लिखा था कि हाउएवर द सेड बेनिफिट्स शैल बी ग्रांटेड ओनली टू दोज ऑफिशियल्स हु हैव रिटायर्ड और who will be retiring from service after the date of orders of the Honorable Supreme Court dated 11/4/2023, यानी कि 11/4/2023 का जो आदेश है इसके बाद जितने भी रिटायर हो रहे हैं और रिटायर हो चुके हैं उन्हीं के लिए ये लागू होगा दोस्तों। इसी रिगार्ड में इसको अमेंडमेंट करने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है कि इसको सभी पेंशनर्स के लिए लागू किया जाए। तो ये यहाँ पर भारत पेंशनर समाज के द्वारा ये अगेन पत्र लिखा गया कि सभी के लिए नोशनल इंक्रीजमेंट दिया जाए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरह, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर काफी पेंशनर्स के मन में शंका भी रहती है किसको लागू है किसको नहीं लागू है। मैं बात कर रहा हूँ एमएससीपी और एसीपी की। एमएससीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम है और एसीपी है एश्योर्ड प्रोग्रेशन स्कीम, यानी ये दोनों स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है जो की एक पेंशनर्स की पेंशन में काफी वृद्धि कर देते हैं और इसके अभाव में कई पेंशनर्स को पता भी नहीं है कि मुझे एमएससीपी मिलनी चाहिए या नहीं।
मिलनी चाहिए। तो इस पर आप आज पूरा वीडियो देखें, इसको अंत तक समझें। पूरा क्लियर कर दिया गया कि किसको एसीपी लागू है और किसको एमएसीपी लागू है, और माननीय कोर्ट यानी एएफटी के कई फैसले हैं, किस पर उसने दिया किस पर नहीं दिया। एएफटी केस के ऑर्डर को भी अंत में हम उसमें समझेंगे दोस्तों कि क्या उसने कहा है, किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। आप समझते हैं यहाँ पर किस कंडीशन में आपको मिलेगी, यानी भर्ती होने से 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ ले सकते हैं। एमएसपी की बात हो रही, 8 साल में, 16 साल में, 24 साल सर्विस पूरी होने पर नेक्स्ट रैंक का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का लाभ आपको मिलेगा। दो सेकंड में रिटायरी जो 1 जनवरी 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। थर्ड पॉइंट में है 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 के बीच जो रिटायर हुए हैं उनकी 10 साल सर्विस किसी भी रैंक में हो तो उन्हें एसीपी मिलेगा। अब एसीपी किसे नहीं लागू है, प्री 7 अगस्त 2003 के जो रिटायरी है उनको ये लागू नहीं है, उससे पहले कोई एसीपी नहीं था तो एसीपी उनको लागू नहीं होगी। दोस्त एसीपी या एमएसपी किस कंडीशन में आपको मिल सकती है कि कोई पनिशमेंट आपको नहीं होना चाहिए, और दोनों केस में यानी कि एसीपी ले रहे हो या चाहे एमएसपी ले रहे हो। दूसरा, फर्दर प्रमोशन के लिए अनवलिंग नहीं होना चाहिए। आप जिस रैंक में है यदि आपने अनवलिंग दे दिया फर्दर प्रमोशन के लिए तो उस कंडीशन में भी आपको एसीपी और एमएसपी नहीं लागू होगी दोस्त, क्योंकि इसमें एएफटी ने अपने ऑर्डर में क्लियर बताया हुआ है और ऑर्डर जो केस डाले थे उनका केस रिजेक्ट कर दिया गया इसी रीजन से। उस केस का है मैं आगे आपको बताता हूँ, दिखाऊंगा आपको उस केस में कैसे उसने रिजेक्ट किया और क्या कहा माननीय अदालत ने। कैडर अनुलिंग कर मिल पर मिल सकता है, और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस यानी ओएसएल या एडब्ल्यूएल केस यदि आपका है कोई सर्विस के दौरान आपने अनुलिंग दे दिया कैडर के लिए और आप ओएसएल या एडब्ल्यूएल रहे हैं तो उस केस में माननीय एएफटी ने फैसला दिया है पेंशनर्स के हक में, यानी कि आप ले सकते हैं लेकिन आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको केस अपना एएफटी में डालना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे उदाहरण है जो कि उसने कैडर अनुलिंग और ओएसएल एडब्ल्यूएल केस में पेंशनर्स के हक में फैसला दिया है। यहाँ पर वही लिखा है उपयुक्त डी और ई केस में एएफटी ने जवान के हक में फैसला दिया है। अब फिफ्थ में एसीपी एमएसपी फैमिली पेंशनर्स को भी लागू है कि पेंशन में उनको पहले एसीपी मिल रही थी और एमएसपी मिल रही थी, जब फैमिली पेंशन उनको लागू होती है तो वो छूट जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि मुझे क्या लागू है क्या नहीं, तो उनको भी लागू है। छठे में 1 जनवरी 2016 से सभी डीएससी वालों को लागू है, यानी जो डीएससी में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए 1 जनवरी 2016 के बाद एमएससीपी लागू है। अब नोट में देखिए, ध्यान रहे आपने आगे प्रमोशन के लिए अनवलिंग नहीं होना चाहिए। आपको जो उसे मैंने बताया ऊपर भी कि अनवलिंग आपको प्रमोशन के लिए अनवलिंग नहीं होना चाहिए, कैडर के लिए आप दे सकते हैं। इसमें एएफटी का फैसला जो अभी अभी आया है वो हम समझ लेते हैं, उसमें उसने क्या कहा। अब साथियों आप देख पा रहे हैं कोड नंबर 2 एएफटी लखनऊ बेंच की एक आदेश है जो कि 26 फरवरी 2024 हाल ही के आदेश है। इस पर क्या फैसला दिया, इसमें जो एप्लीकेंट थे जब रिटायरमेंट आए इनकी सर्विस 17 साल 16 दिन थी और इनको फर्स्ट एमएससीपी मिल गया था जब इनकी 8 साल सर्विस थी, इसलिए इन्होंने एमएससीपी 2 के लिए एएफटी का रुख किया और वहां पर अपना केस डाला। लेकिन यहां पर एएफटी लखनऊ बेंच ने इनका केस डिसमिस कर दिया और इनकी जो प्ले थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया। उसका कारण ये रहा कि इन्होंने अपने सर्विस के दौरान, यहाँ पर आप देख पाएंगे कोर्ट ने यहाँ पर मेंशन किया कि इन्होंने जो है परमानेंट अनवलिंग दिया है प्रमोशन और कैडर प्रमोशन के लिए, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे इनका अनवलिंग सर्टिफिकेट भी लगाया गया है साइन के साथ, काउंटर साइन इनके सीओ साहब के यहाँ पर दिखाए गए हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको एमएससीपी 2 का लाभ नहीं मिल सकता है यदि आपने प्रमोशन के लिए अनवलिंग दिया, तो आपको एमएससीपी 2 का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों, जो कि आपके सामने ये एग्जांपल है। तो ये थी आज की जानकारी। जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।